सरकारी गन्ना क्रय केंद्र पर ना तो गन्ना ढुलाई के लिए चीनी मिल की ट्रकें आ रही हैं और ना ही किसानों के गन्ने की समय पर तौल हो रही है। महज एक ट्रक से चीनी मिल तक गन्ने की ढुलाई हो रही है, जिस कारण किसानों को गन्ना तौल के लिए शीतलहरी में क्रय केंद्र पर रातें काटनी पड़ रही हैं। इससे उन्हें दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। यह हाल है महमूदाबाद के दी किसान सहकारी चीनी मिल के क्रय केंद्र का। गन्ना क्रय केंद्र गोंडा देवरिया पर किसानों की गन्ना लदी ट्रालियों की तौल न होने की शिकायत पर बुधवार को सेवता विधायक ज्ञान तिवारी मौके पर पहुंचे तो वहां के क्रय केंद्र पर करीब 25 से 30 गन्ना लदी ट्रालियां खड़ी थीं। मालूमात करने पर पता चला तो महज एक ट्रक से ही चीनी मिल को गन्ना की आपूर्ति की जा रही है। जब तक ट्रक नहीं आता है, किसानों की गन्ना लदी ट्रालियों की तौल नहीं होती है। ऐसे में दूर दराज से आए किसानों की गन्ना लदी ट्रालियाँ न सिर्फ कई कई रोज तक क्रय केंद्र पर खड़ी रहती हैं, बल्कि उन्हें शीतलहरी के दौर में ट्रालियों के नीचे रातें भी गुजारनी पड़ती हैं। किसानों का यह भी कहना है कि समय पर उनके गन्ने की तौल ना होने से उनकी पर्चियां भी खराब हो रही हैं। यही नहीं, किराए की ट्रालियों से गन्ना लेकर आने वाले किसानों को किराए की ट्रालियों को भाड़ा भी देना पड़ता है। इससे किसानों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। जानिए क्रय केंद्र गोंडा देवरिया पहुंचे सेवता विधायक ज्ञान तिवारी की चीनी मिल अधिकारी से दूरभाष पर क्या बात हुई। सेंटर पे हूँ गोंडा देवरिया बी। तो ये यहाँ पे कम से कम 25-30 ट्राली खड़ी हुई है और एक ट्रक है 5 तारीख और ये कोई आनंद शर्मा है उनका ये यहाँ का ठेका है और उस ठेके में एक ट्रक है और ये 25-30 ट्राली कैसे जा सकती है इसमें और लेबर भी इनका है नहीं। लेबर का ये कहना है जब एक गाड़ी आएगी तो हम कैसे हमारी मजदूरी नहीं निकल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? 5 तारीख से सर खड़ी हुई है। नहीं, ठेकेदार को ठेका किसने दिया है? तो जो चीनी मिल ने किया है तो उसको ये पहले सोचना चाहिए इनके पास ट्रक है कि नहीं है, ये कैसे ले जाएंगे, किसके किस जी। नहीं, सबसे बड़ी समस्या इनकी है कि जो किसानों की पर्चियां खराब हो गई, किसान गन्ना क्या करेगा? यहाँ पे दो समस्या है, एक तो किसान की पर्ची खराब हो गई और गन्ना उसका छिला पड़ा हुआ है, आकर ये गन्ना भी सूख रहा है, तो एक तो उसका वेट लॉस हुआ और दूसरी बात पर्ची गई, फिर अब पर्ची चेंज होने में उसमें 10 दिन लगेगा तो किसान तो गया काम से। और जो ये जब हम टेंडर देते हैं, जब आप किसके सिफारिश पे होगा टेंडर? अगर हम किसी के कागज नहीं चेक कर रहे हैं, इनकी हैसियत है गन्ना ढोने की नहीं है, तो कहीं ना कहीं किसी का जी। हाँ, कान है जी। हाँ नहीं, लेकिन जब आप लोग इनसे एग्रीमेंट कराए होंगे, बगैर एग्रीमेंट तो कोई टेंडर नहीं होता, जब एग्रीमेंट कराए होंगे तो उसमें गाड़ियां होंगी, गाड़ियों के नंबर होंगे, इनकी हैसियत क्या है और इनकी सिक्योरिटी भी होगी कि इतनी आप सिक्योरिटी जमा करिए। अगर बीच में आप भाग जाएंगे, मैं 2 साल से ये अभियान चला रहा हूं कि दलालों से मुक्त हो जाए और सेंटर दलालों से मुक्त भी हुए किया जाएगा। आज किसान का गन्ना छुला पड़ा हुआ है, सेंटर पे भीड़ लगी हुई है, तो कैसे होने, इसका क्या विकल्प, आपने विकल्प क्या सोचा इसका? नहीं तो आपको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा, आपके लिए लाले पड़ जाएंगे और इसका नेतृत्व तो हम ही करेंगे, इसका कोई सपा बसपा वाले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सपा बसपा वालों को तो आप लोग सेंटर दे देते हो, क्योंकि अभी तक चीनी मिल पे सपा वालों का ही कब्जा था और वही लोग कब्जे में लेकर के सेंटर दे रहे हैं, तो वो तो अपनी मोनोपोली एक बनाएंगे ही बनाएंगे। अरे भैया, मतलब नहीं, अगर मतलब नहीं तो ऐसा क्यों हो रहा है आप बताइए? टेंडर देने वाले आप लोग हैं, विधायक आपका किसी की सिफारिश नहीं करता है, विधायक चाहता नंबर वन में काम हो, फिर ये दिक्कत कहाँ जा रही है? अगर आपने कागज क्या चेक किए, ये नहीं, ये जिम्मेदारी आपकी फिक्स हो, ये किसने धुआ? अगर वो 2 ट्रक या 4 ट्रक में इस सेंटर से कितना आता है, कितनी लोडिंग होती है, कितने दिन में, इसका तो पहले से कोई नया सेंटर हो आपको नहीं नॉलेज है, पुराना सेंटर है, कितनी गाड़ियां लगती हैं वो भी है। हमारा ये नहीं विषय है कि ट्राला चलेगा ट्रक चलेगा, हमारा ये विषय है किसान का गन्ना कैसे उसके चीनी मिल पे सही समय पे खाली होके ट्राली उसकी जाएगी। अब पता लगा वो 2000 का उसका गन्ना है और 1000 रुपया उसका ट्राली का भाड़ा ही निकल गया, किराए लेकर क्या है, तो गन्ना तो ट्राली के किराए भर का हो जाएगा, इसका क्या होने वाला है? चीनी मिल का भी नुकसान है और गन्ना सूख रहा तो आपका भी चीनी नहीं उतनी निकलेगी, तो चीनी मिल का नुकसान, मतलब सरकार का नुकसान, सरकार की मिल है तो ये भी तो घाटे में जाएगी। इसमें क्या हम बोले इन लोगों से, कैसे इसका सोल्यूशन निकलेगा और कई दिन में निकलेगा?
इनकी इतनी सबकी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करो, इनकी सबकी सिक्योरिटी फॉरफेट कर लीजिए। और इन जी तो जिस अधिकारी ने एक आदमी को इतना बड़ा काम दे दिया, मुझे 10 किलो ले चलने की क्षमता है, 1000 किलो मेरे ऊपर लाद दिया जाएगा, तो उसके नीचे जो उस पर सवार हो जाएगा वो दबेंगे मरेंगे क्या होगा, ये आप सोचिए। ये तो जो अधिकारी वहां पे बैठा है, जीएम बैठा है, सीसीओ बैठा है, ये उनको चिंता करना है, इसके अध्यक्ष डीएम है, डीएम को चिंता करना है। अगर कोई दिक्कत है, मैं विधायक होने के नाते मेरे से चिंता हो, मेरे से बातचीत हो, तो मेरे से तो कोई इस विषय में किसी ने बात किया नहीं। तो इस पे थोड़ा आप कड़ा रुख अपनाइए और जरा क्षेत्र में निकलिए, देखिए किसानों की स्थिति क्या है। हाँ नहीं, ये आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी मैं वहां भी जा रहा हूँ, मझगवां भी जा रहा हूँ, ये कोई शर्मा जी का सेंटर है, अभी ये कोई जैन है उनका सेंटर है, तो मैं अभी वहां भी जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। और ये चीज ठीक नहीं, इसको तत्काल आप 1-2 दिन के अंदर जैसे भी हो व्यवस्थित कराइए, जो भी हो कैसे होगा इसको व्यवस्थित कराइए आप। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।